मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 8 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं। उत्तर में बाबा कहते, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं कि हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है, यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है परमपिता परमात्मा में, ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी ये स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जाता है, जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सुदेवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं, इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है, ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फ़ायदा है ना तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है कि ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे, ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो, इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। फल तुम्हें उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनको कलश में जल्दी नहीं आएगा। विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे। अब तो मौत आया कि आया, जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे। उनका पाठ ही अंत में है। तुम कहते हो, अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वह समझते हैं कि इनों के ये गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, यह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट वन भोग लगाकर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह है फरिश्ते और वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है।
उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है, बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यह पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो, पाठ की महिमा है। बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमोप्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो, यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है, यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो अधकल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उनका जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर हैं, वह है हठ योग, यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझेंगे। यह तो है पढ़ाई, बाप का बच्चा बना फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना ही नहीं है। इसमें तो करैक्टर सुधरते हैं, मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं। बहुत फेल भी हो जाते हैं, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना, तो अभी नई दुनिया बन रही है। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी ज़रूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती, पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो ज़रूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, सहज मार्ग है ना। अगर कहें नींद ना करो तो ये हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत हैं। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, ये सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं कि मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं, बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतोप्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा,
आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन, यह बात जब सुने जज, जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान और वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। जब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो कि यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, विकार में गिरने से एकदम चकना चूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह रजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं, फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है, वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगदम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो बड़ा राजा बनते हैं। देलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसी को खिलाए तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, और फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोचरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएंगे। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यादे आदि कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना, सारा मदार है याद की यात्रा पर। उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा धौरी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है, आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है।
और सेकंड है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। बाबा ने आज वरदान दिया अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है, जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहें वही संकल्प वही संस्कार सहज कर अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन है सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही बड़े से बड़ी देन है। ओम शांति।